नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने चार्ज लेते ही किया बड़ा गुडवर्क। सुशील मोच गैंग का शार्प शूटर हत्यारा पुलिस मुठभेड़ ने किया घायल। जनपद मुजफ्फरनगर में आज देर रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुशील मोच गैंग का बड़ा शार्प शूटर है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 621 पिंटू भी घायल हुआ है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार चौधरी निवासी डेरा इलाहीपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को पुलिस ने पीतल चखाकर अस्पताल भेजा। वहीं बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा में दो जिंदा दो खोखा कारतूस 315 बोर की और एक मोटरसाइकिल अपाची बिना नंबर की मुठभेड़ में बरामद कर सफलता प्राप्त की। सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पर हत्या गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में लगभग एक दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं बदमाश के बारे में और भी जानकारी की जा रही है। बदमाश पर इनाम की भी जांच की जा रही है। बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ने वाले SSI राकेश शर्मा व पुलिस टीम को सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। विशाल प्रजापति मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। आज कोतवाली पुलिस को एक जानकारी मिली थी जो है एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की जिसके दो बदमाश थे और उनकी संगीन घटना करने की तरफ थी। इसीलिए कोतवाली पुलिस ने वहाँ जो नाकाबंदी की तो जो रास्ता ये जाता है इससे रुड़की रोड से एक रास्ता बाई तरफ जाता है, उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है, उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इसमें है। किस गैंग का है सर? ये सुशील मूच गैंग से रिलेटेड है और पहले भी हत्या के मामले में ये कई हत्या के मुकदमों में जेल जा चुका है। उसकी जानकारी की जा रही है कि कहां-कहां से वांटेड है और इस पे इनाम की भी जानकारी की जा रही है। क्या है इसके पास? इसके पास से एक अवैध तमंचा है जिससे इसने फायर किया है, दो खोखा कारतूस है, दो जिंदा कारतूस है और एक मोटरसाइकिल है बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल है ब्लैक कलर की। इसका एक साथी और था इसके साथ जो भागने में सफल रहा है, अभी चूंकि घायल को अस्पताल भिजवा दिया है उसकी भी जानकारी की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। कोई पुलिसकर्मी घायल है? हाँ, उसमें एक पुलिसकर्मी हमारा घायल है, एक पिंटू नाम का सिपाही है हमारा जिसको, वो भी घायल है मुठभेड़ में, उसको भी उपचार हेतु रवाना करा दिया।